अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज मैं फिर एक रेसिपी लाई हूँ आपके लिए जो बहुत क्विक है। आज हम बनाएंगे सैंडविच, रेनबो सैंडविच। ये आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के देख सकते हैं, बर्थडे पार्टी में भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। जब ये कलरफुल से सैंडविच हम रखेंगे, इनको बनाने के लिए मैंने एक कप चिकन लेकर उसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसे श्रेड कर लिया। एक अदद खीरा लेके मैंने उसे बारीक चॉप किया है और उसमें से तमाम पानी को मैंने रिमूव कर दिया है। दूसरी तरफ मेरे पास बॉयल एग है जिसे मैंने मैश कर लिया है। चार अदद सैंडविच लेकर मैंने उनके स्लाइसिस के किनारे काट दिए हैं, जो ब्राउन वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया है। चले हम अपने सैंडविच को बनाना स्टार्ट करते हैं। बॉयल चिकन में मैं तकरीबन 1/4 कप केचप के ऐड करूंगी। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं खीरे में और जो मैंने मैश किया हुआ एग है मेरे पास, इस दोनों चीजों में मैं 1/4 टीस्पून नमक के ऐड करूंगी। इन्हें मिक्स कर देंगे। बॉयल एग में मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून काली मिर्चों के। इन तमाम चीजों को हम स्पाइसेस को इसके अंदर मिक्स करें। 3 टेबलस्पून मेयोनीज के मैं इसमें ऐड करूंगी खीरे में। इसी तरह मैंने मैश एग में भी 3 टेबलस्पून मेयोनीज के ऐड किए। अब इन्हें मिक्स करते हैं। मेयोनीज को मैंने मिक्स कर दिया। अब हम एक एक करके एक एक स्लाइस पे लगाते हैं। हमारे रेनबो सैंडविच रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्विक सी और सिंपल सी रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी जरूर करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।